कैसे आप सब तो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक। सो आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर आपको पास ईयर निकालना होता है, मंथ निकालना होता है, डेज निकालने होते हैं। मतलब होगा क्या इस क्वेश्चन के अंदर कि आपका नंबर ऑफ डेज दे दिए जाएंगे, उसके बाद उसको आपको डिवाइड करना है उसके अंदर कितने ईयर बन रहे हैं, कितने मंथ बन रहे हैं और कितने नंबर ऑफ डेज बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं आपका 400 है, तो 400 में कितने ईयर बनेंगे, एक ईयर बनेगा। जो रिमेनिंग होगा 365 डेज में से जो रिमेनिंग होगा वो कितना हो जाएगा आपका अराउंड 365 में से 35। तो अज्यूम करते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस में कि 30 डेज के मंथ होंगे, ठीक है। तो इसमें एक मंथ बन जाएगा रिमेनिंग और 5 डेज, ठीक है, 5 आपके क्या बनेंगे, डेज बनेंगे। तो सिंपल सी बात हो रही, क्या हो रहा है यहाँ पे आपका कि एक नंबर ऑफ डेज मिलेगा, उसके अंदर कितने ईयर, कितने मंथ और कितने नंबर ऑफ डेज बनेंगे ये आपको बताना रहेगा। ये आपको तीन चीजें को बताना रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम होता कैसे आता कहते हैं कैसे है, राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द, उसके बाद क्या लिखे आ जाएगा आपके सामने, एंड प्रिंट द नंबर ऑफ इयर्स मंथ एंड नंबर ऑफ डेज, ठीक है। उसके अंदर तो इस प्रोग्राम को करने का जो सबसे लेमन तरीके से पहले समझते हैं कि हुआ कैसे। हमने पहले से क्या किया, नंबर ऑफ डेज को 365 से क्या कर दोगे, जब डिवाइड करोगे नंबर ऑफ डेज को 365 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ ईयर कितने बन सकते हैं ये पता चल जाएगा। मतलब जैसे हमने 400 को 365 से डिवाइड किया तो हमारे सामने आउटपुट क्या आया, एक आया। आप उसके बाद फिर क्या करेंगे, 365 डेज के अंदर जो बचे हुए नंबर ऑफ डेज, जो नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज होंगे, जो रिमाइंडर होगा, इसको क्या कह सकते हैं, जो इसका डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेंगे, रिमाइंडर को हम लोग 30 से कर देंगे। जैसे इससे 400 को जब 365 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 365 रिमाइंडर कितना बचा आपका 35। तो ये 35 को जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर ऑफ व्हाट, रिमाइंडर ऑफ नंबर ऑफ आपका ईयर्स, कितने साल बन सकते हैं उस 365 डेज से जो रिमाइंडर होगा उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मंथ्स पता चलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे हमने क्या हुआ 35 आया तो 35 को उठा के क्या किया, डिवाइड किया 30 से, तो 1 30 और आपका 5, तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स पता चलेंगे, इसके अंदर क्या पता चल गया, नंबर ऑफ मंथ्स पता चल गया और इसके अंदर नंबर ऑफ ईयर पता चल गया, ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात होगी कि क्या होगा आपका नंबर ऑफ मंथ निकलने के बाद जो इसका रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर होगा किसका, रिमाइंडर ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स का, नंबर ऑफ मंथ्स का जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज कंसिडर करेंगे। नहीं समझे, जैसे देखो 35 को 30 से कराया तो 5 बचा, तो ये 5 क्या होगा, नंबर ऑफ डेज ही तो हो गए, जो बच गया वो क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, पहला स्टेप हमारा क्या है ये है, दूसरा स्टेप हमारा क्या है ये है, तीसरा स्टेप हमारा क्या है ये है, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं कि सबसे पहली चीज आपकी क्या होगी, सबसे पहली चीज आपकी होगी फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपका दिया गया है 543, ये अगर यूजर ने इनपुट दिया तो 543 को सबसे पहले किससे कराएंगे, 365 से कराएंगे, तो क्या होगा 1 365 आपका यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जांपल 8 और बन जाएगा 4, दैट मींस कुछ इस तरीके से 5 तो 6 यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 है तो क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, सो सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 13 से किया तो आपका क्या हो गया 3, यहाँ पे आपका 543 है तो यहाँ पे आपका क्या हो चुका है 3 हो चुका है, ठीक है, कभी कभी ऐसे हो जाता है 3 हो गया तो आपका क्या हो जाएगा 533, तो 13 से ये करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, दैट मीन 178 डेज इसके अंदर रिमाइंडर हो गया। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज आपकी क्या आ गई है, सबसे पहली चीज आपका 1 ईयर आ चुका है और रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आपका आ गया है, रिमाइंडर यहाँ पे 178 आ गया, ठीक है। कोई डेफिनेशन वो होता है तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। अब नंबर ऑफ इसी से 178 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो 30 से करने के लिए इसी को उठा के 30 से करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 जा, उसके बाद 150, ठीक है, यहाँ पे आपका 5 जा क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, तो बचेगा कितना 28, ठीक है, 35। तो इसके अंदर क्या हो गया 5 मंथ्स। अब देखिए ये क्या बन गया 5 मंथ्स, अभी रिमाइंडर क्या बन गया, डेज बन गया। तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट क्या याद रखना है, तीन चीजें करनी है, जो भी आएगा उसको 365 से डिवाइड टू नंबर ऑफ इयर्स आ जाएगा, जो भी आपका नंबर ऑफ रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बन जाएगा नंबर ऑफ मंथ के लिए हमारी नई वैल्यू, और जो आपका नंबर ऑफ मंथ से जो रिमाइंडर आएगा वो नंबर ऑफ डेज बन जाएंगे। सो होपफुली इतना अच्छे से एकदम आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको इसके ऊपर प्रोग्राम करके देखते हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, एक नंबर लेना है, नंबर को सबसे पहली चीज क्या कर देनी है 365 डेज, नंबर ऑफ डेज 365 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी, ईयर बन जाएगी, और उसके बाद फिर आपका उसे उसी की आप लेके मंथ और डेज निकालोगे। तो java.util*, ये आपको करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत आपको बेसिक जो है अच्छे से आने चाहिए, मतलब बेसिक से नंबर आपके नहीं बटे इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन,
यहाँ पे आपको किसी तरीके से बन जाएगा। आफ्टर दैट क्या करोगे, आप वेरिएबल लोगे जिसके अंदर नंबर ऑफ डेज एक्सेप्ट करोगे, तो INT ND नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो ऐसे उसके बाद यहाँ पे मैं भी कॉमा स्पेस लगा के छोड़ देता ताकि आगे वेरिएबल्स मिलते रहे, लास्ट में सिंगल लगाए। एक मैसेज हम लोग पास करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर नंबर ऑफ डेज, आप यहाँ पे क्या करना, नंबर ऑफ डेज इनपुट करा देते हैं, होपफुली इतना क्लियर हो। उसके बाद क्या करोगे, एनडी की आप एंट्री करा दोगे, एनडी की आप क्या करा दोगे, एनडी इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट INT, ये एनडी की यूजर एंट्री होगी। अब पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक वाई ले लेंगे, वाई इज इक्वल टू एनडी डिवाइडेड बाई 365। ये क्या हो गया आपका, वाई के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ ईयर्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स के बाद जो रिमेनिंग होता है, रिमेनिंग आपका दैट मीन क्या हो जाएगा, आपका मंथ के लिए क्या करेंगे, मंथ के लिए आपका रिमेनिंग निकालेंगे, तो क्या करेंगे, आर वाई रिमेनिंग ऑफ वाई, ठीक है, रिमेनिंग ऑफ ईयर, तो एनडी मॉड्यूलस 365 करें, उसके अंदर क्या करते हैं, रिमाइंडर तो निकाल लेते हैं, जैसे आपका 400 था तो 400 को जब डिवाइड करा था 1365 से, तो 1365 जो रिमाइंडर आ रहा था आपका 35, इसको उठा लेते हैं, रिमेनिंग आपका बन रहा था, तो रिमेनिंग ऑफ ईयर किसमें आ गया, आपका इसके अंदर आ गया, 365 से मॉड करा देते, ये क्या हो गया, रिमेनिंग जो ईयर के बाद आपका रिमेनिंग बचा वो इसके अंदर आ गया, ठीक है। अगली बात, अगला चीज जो होगा वो मंथ निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, आर वाई, और उसके बाद एक मंथ ले लेंगे, मंथ इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाई 30, रिमेनिंग ऑफ ईयर में से तो माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मंथ्स के बाद आपको एक चीज और क्या चाहिए, नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो डेज के लिए डी ले लेंगे, और सेमीकोलन, डी इज इक्वल टू डी इज व्हाट, ये 35 है, तो 35 डिवाइडेड बाई अगर क्या हुआ आपका 30 हुआ, 1 30 और यहाँ पे 5 आया, तो ये नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग आ जाएगा, तो ये क्या होगा आपका आर वाई एम डिवाइडेड एम मॉड्यूलस 30, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे, इससे क्या पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे। तो होपफुली एकदम अच्छे से क्लियर हुआ, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के अगर आप बच्चे हो तो आपके लिए तभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर डेज आपको दे दिया जाता है, नंबर ऑफ मंथ्स दे दिया जाता है, इस तरीके से, तो डेट वाले क्वेश्चन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी प्रिंटिंग करा देनी, इसकी क्या करा देनी है, प्रिंटिंग। तो आप समझ आ गया होगा कि पूरा का पूरा प्रोग्राम बन कैसे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज पास करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ईयर्स इज इक्वल टू प्लस वाई, वाई के अंदर आपका ईयर है, प्लस मंथ इज इक्वल टू, उसी के अंदर ही मंथ इज इक्वल टू प्लस एम, प्लस डेज इज इक्वल टू प्लस डी, इस तरीके से आपका एक ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट बंद, यहाँ पे दूसरा पहले ब्रेसेस बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एग्जांपल से समझते हैं, सबसे पहले क्या होगा, यूजर यहाँ पे 400 सपोज हो गया, मान लेते हैं 500 यूजर देता है, उसके यहाँ पे आएगा 500 को डिवाइड बाय करेगा 365 से, तो ईयर क्या हो जाएगा, ईयर की वैल्यू हो जाएगी 1, ईयर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, इसका रिमेनिंग हो जाएगा 135 से, एम को 135 को डिवाइड करेगा 30 से, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 4 आ जाएगा, 4 के बाद रिमेनिंग जो है रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा आपका 15, आपका रिमाइंडर बचेगा। सो होपफुली इतना अच्छे से एकदम क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके बता दो, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज इसको अच्छे से समझिए, सो दैट आपके नंबर नहीं कटे, आप सबके 100 मार्क्स आते रहे। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।